नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके संग प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करते हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर खुद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टकैत मौजूद रहे। उन्होंने विजेताओं को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया है। आंदोलन में शामिल हजारों किसान इस मौके पर दर्शक के रूप में मौजूद रहे। किसानों के प्रति उनका सम्मान नहीं, उनके मन में तो कोई सम्मान नहीं है उनके। उसमें हमारे 70 किसान शहीद हो गए इसमें, इस धर्म युद्ध में। और तीन अमेरिका में मर गए वहाँ से, जो यहाँ से 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए संवेदना प्रकट करी कि भाई गलत हुआ वहाँ से। तो हमारे 70 आदमी यहाँ से इस आंदोलन में शहीद हो लिए, तो क्या प्रधानमंत्री इस तरह की बात नहीं कर सकते? दो शब्द उनके प्रति नहीं कह सकते कुछ? तो कहीं ना कहीं तो ऐसी ये तो बात हो रही है भाई, किसानों के सम्मान में कितनी, उनके दिल में कितनी वाह है बातचीत, कितनी जगह है बातचीत में भी। इतना विशाल जनसमूह यहाँ से हो रहा, कई लाख आदमी इकट्ठे हो रहे, और सरकार के हठधर्मी एक तो बात है, हमारा परिवार तो इकट्ठा हो गया, जो किसान परिवार बिखरा हुआ था इस आंदोलन में, सब एक हो गए। सब जितने भी पार्टी, जितने संगठन हैं, सब एक हो गए। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, भाई हमारा बिछड़ा हुआ परिवार एक कर दिया उन्होंने। और अगर इसमें भी एक कर ले, हम यही चाह रहे बातचीत। 40 आदमी है, सब ठीक है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बातचीत ठीक चाह होनी, और किसान पीछे नहीं हटने का, किसी भी सूरत में किसान पीछे नहीं हटने का। हमने तो पहले कहा था भाई, दो कदम सरकार पीछे हटे, दो कदम किसान, या सरकार ही पीछे हटे, किसान पीछे नहीं हटे, किसान अपना कदम उनका वहीं रखेगा। नहीं, उनकी उनका सम्मान है, उनका सम्मान है, कहीं ना कहीं कुछ बात हो। पर मैं इसमें तो सरकार में हमें नहीं पता किसकी चल रही, इस सरकार में तो किसकी चल रही हमें ये नहीं मालूम है। ये तो दो ही आदमी, अमित शाह जी और मोदी जी, दो की चल रही है, वही दिंगा मस्ती है उनकी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। कावेंद्र, अभी क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर यूपी गेट पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन को महीने भर से भी कई ज्यादा दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद लगातार वार्ताओं का दौर भी जारी रहा है। वार्ताएं अभी तक विफल साबित हुई हैं। ये यूपी गेट का नज़ारा है, जहां मैं इस समय मौजूद हूं, ये यूपी गेट है। और यूपी गेट पर आज एक कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम है कुश्ती का कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर कुश्ती जीतने वाले को नरेश टिकैत खुद उनको प्राइज़ दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये किस तरह से यहाँ पर कुश्ती का जो आयोजन रखा गया है, सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। जो ऑडियंस है वो किसान हैं, और यहाँ पर दूर बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, बाहर से कुछ पहलवान आए हुए हैं। तो ऐसे ही एक पहलवान है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? गुरमीत। गुरमीत जी, गुरमीत जी, आप किसानी करते हैं? हाँ, मैं पहलवानी करता हूँ जी। पहलवानी करते हैं, अच्छा ये बताइए, ये कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया है, ये किस तरह का कार्यक्रम है और क्या इसका मतलब है? जी, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है जी, मतलब पहलवानों के लिए और हमारी जो मांग है उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आप किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में भी होंगे? हाँ, समर्थन में हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में हैं जी। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से पहलवानी करते हैं? हरियाणा जींद से हूँ जी। अभी कुश्ती का अभी कार्यक्रम हुआ है आपका? अभी मेरी कुश्ती है एक लड़के के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से दो पहलवानों के बीच मुकाबला हुआ, और इसमें काली टी शर्ट जो पहने पहलवान थे उन्होंने जीत हासिल की है। ये कुश्ती का आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी है। अभी लाल टी शर्ट और ये ब्लैक टी शर्ट वाले दो पहलवान आपस में लड़े, और इनके बीच कुश्ती का मुकाबला हुआ, जिसमें काली टी शर्ट वाले जो पहलवान थे उन्होंने जीत हासिल की। तो ये है यूपी गेट का नज़ारा। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें हैं, खाना भी मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे हैं। इसी के साथ यूपी गेट से कैमरामैन सरताज के साथ मैं काविन चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काविंद्र, तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए।
फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।